हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहिए। टुडेज ट्यूटोरियल इज द ग्रो अप विद मी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फर्स्टली मैंने अपने फेस पर प्राइमर लगाया है। हम अपने फेस पर प्राइमर को अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। तो इसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करना स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं अच्छे से फिल करूँगी। तो अपने दोनों आईब्रो को सेम तरीके से फिल करना है। इसको फिल करने के बाद मैं अपनी आईज़ मेकअप को स्टार्ट कर लूँगी। इट इज़ अ वेरी बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इस आईब्रो को फिल करने के बाद मैंने अब आई प्राइमर लिया है। इसको मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके आई शेडोज के शेड है वो अच्छे से दिखाई देंगे, उभर के आएंगे। सो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस मैंने अपनी दोनों आईज़ पर आई प्राइमर लगा दिया। इसको मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं एक कॉम्पैक्ट लूँगी, इससे अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। इसको सेट करने के बाद एक मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है जिससे मैं कट क्रीज क्रिएट करूँगी। इसके लिए मैंने लाइटर ब्राउन शेड यूज़ किया है। तो इससे मैं अपनी क्रीज को क्रिएट कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मेरी क्रीज रेडी हो चुकी है। तो इसके बाद मैंने एक गोल्डन कलर का आई शेडो लिया जिसको मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो इसको अप्लाई करने के बाद हम आईलाइनर लगाएंगे। तो मैं अपना जो भी आईलाइनर है विंग आईलाइनर क्रिएट करने वाली हूँ। तो मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जेल आईलाइनर यूज़ करती हूँ जो कि लॉन्ग लास्टिंग स्टे करता है। इसके साथ ही मैंने अपने दोनों आईज़ मेकअप को डन कर लिया और मस्कारा अप्लाई कर लिया है। तो फ्रंट के कॉर्नर्स पर मैं एक हाइलाइटर लगा रही हूँ लाइटर। उसके बाद हम बोनी लेयर्स पर भी हाइलाइटर लगाएंगे। हमारा आईज़ मेकअप हो चुका है डन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर मेकअप। तो मेकअप के लिए मैंने टू काइंड ऑफ फाउंडेशन यूज़ किए, टू शेड्स के, जिससे मेरे फेस का जो बेस है बहुत अच्छे से फ्लॉलेस होकर आता है। तो मुझे बहुत पसंद है। तो हम इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हम जब भी ब्लेंड करेंगे इसको टैप टैप कर कर ब्लेंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने पूरे फेस पर इसको फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इसके बाद हम अपने जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स हैं उसको हम पहले अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम सेटिंग पाउडर और लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। तो इसके बाद मैंने क्रीम कंट्रोल यूज़ किया अपने फेस पर, चीक एरियाज़ पर और जॉ लाइन। सेम तरीके से मैं अपने नोज़ पर भी सेम क्रीम कंट्रोल अप्लाई कर रही हूँ फुल फेस पर। इस तरीके से हमने अप्लाई करना है। उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ टैप टैप करके। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। अगर आप लोग चाहें तो इसको ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। दोनों वे ही बहुत अच्छे हैं। इट इज़ अप टू यू कि आप लोगों को किस तरीके से ब्लेंड करना है। तो जो हमारी कॉन्टोरिंग है वो डन होने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके बाद मैं अपने नोज़ के कंटूर को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने फेस पर। तो हम कंटोरिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर मेकअप। जिनका फेस थोड़ा चबी सा है तो ये आपके फेस को स्लिम सा दिखाते हैं। इसके बाद मैंने लूज़ पाउडर लगा लिया अपने फेस पर, बेकिंग करनी स्टार्ट कर दी। तो इसको मैं अब क्लीन कर दूँगी। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना पाउडर ब्लश। आफ्टर दैट सो मैं अपने फेस पर एक पिंक कलर का पाउडर ब्लश अप्लाई करिए अपनी चीक्स पर। तो इसके अप्लाई करने के बाद हम अपने बोन एरियाज़ पर अप्लाई करेंगे हाइलाइटर विद द हेल्प ऑफ फैन ब्रश। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहिए। तो अब हम अपने लिप्स पर लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं। लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद मैं इसमें अच्छे से शेप दे रही हूँ एक लिप फिलर की मदद से। जब भी आप लोग लिपस्टिक लगाएं तो आप इस ब्रश का यूज़ करें। ब्रश से बहुत अच्छे से आपकी लिप्स की शेप बन जाती है। तो इट इज़ अ वेरी इजी वे टू अप्लाई योर लिपस्टिक। उसके बाद सेटिंग स्प्रे, दिस इज़ अ फाइन।